इस वीडियो में आप सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। सीरीज से संबंधित कई सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो टेक्निकल रूप से दिए जाते हैं। हम इसको किस प्रकार एनर्ज करते हैं, अर्थात किस प्रकार सजाते हैं ताकि आपस में क्या हो, बीच का सड़क कट जाए और मेरा क्रियाकलाप आसान हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज को सीखेंगे कि किस तरह के सवाल आते हैं, आप उसको किस तरह अरेंज करके आसान तरीके से बनाते हैं, हम इसी को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूँ। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, पहले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए पहला सवाल है कि 1/1 × 2 जोड़ 1/2 × 3 जोड़ 1/3 × 4 जोड़ .. 1/99 × 100। अब आप कहेंगे कि ये जो चीज है हम इसको लिखने का तुरंत क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/1 × 1/2 जोड़ 1/2 × 1/3 जोड़ 1/3 × 1/4 जोड़ .. 1/99 × 1/100। और आपस में क्या करेंगे, 1/2 ये बीच का कटा देंगे, नहीं माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 कैंसिल, 1/1 × 1/100 यानी 99/100 में टिक लगाएंगे। लेकिन सवाल ये आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर थोड़ा चर्चा करें। तो चलिए इस स्टेप को अभी भूल जाइए, यहां से इस स्टेप में आइए। ठीक है, देखिए होता क्या है, इसके पहले एक चीज सीख लो। मानिए हमारा आदि दिया रहता 4/3 × 1/8, एक सपोज देखो उदाहरण में दे रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ, 4/3 = 7/8 यानी इसका अर्थ हुआ 7/8, क्लियर। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, क्या इसको मैं 4/1 × 8 + 3/1 × 8 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 1 × 8 तो 8 ही हुआ ना। तो आप कहेंगे इसको मैंने किस तरह लिखा, इसको सिर्फ किया 4/1 × 8 जोड़ था बीच में जोड़ 3/1 × 8, क्योंकि मैं फिर आदि इसको इस रूप में लिखना चाहूंगा तो 1/8 का एलसीएम होता 1/8 और फिर 4/3 मैं इसको लिख सकता हूं। यानी कहने का तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं और फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, अरेंज कर सकता हूं, सजा सकता हूं। इसका अर्थ यह हुआ, एक साधारण सा चीज कि अरे 1/2 × 1/3 है तो मैं लिख सकता हूं 1/1 × 3 + 2/1 × 3, हमें लगता है यहां कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तब चलिए अब यहां पर आते हैं, जरा देखिए यहां पर देखते क्या है, हार जो है, हार में दो पदों के बीच का अंतर 1/2 है, इन दो पदों के बीच का अंतर 1 है जो अंश के बराबर है, 2/3 है, 1 का अंतर है अंश के बराबर है, 3/4 जो है इसका अंतर अंश 1 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 2/1 × 1/2 कोई दिक्कत का हमको तो नहीं लगता है, दिक्कत होना चाहिए, 2/1 तो क्या होता है। अब फिर प्लस था, इसको लिखते हैं 3/2 × 2/3, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 4/3 × 3/4 जो +100 × 99 यहां है अब बटा कितना 99 × 100। मैं ये जो बता रहा हूं ये कैसे हुआ इसको मैं बता रहा हूं। अब जरा एक चीज बताइए हमको, अब आगे बढ़ते हैं, अभी जो चीज सीखा उसका मैं यहां प्रयोग करता हूं। क्या मैं इसको 2/1 × 1/2 लिख सकता हूं, फिर ये 2/1 है बटा 1/2 तो ये घटाओ 1 जो है मैं यहां लाके 1/1 × 2 लिखता हूं, यानी इसको मैंने क्या किया 2 टर्म में तोड़ दिया। फिर प्लस था तो मैं क्या करता हूं 3/2 × 3 ब्रैकेट में घटाओ 2/2 × 3, इसी को ये 3/2 था तो उसको 2 टर्म में तोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसका मान फिर वही क्या होगा, एलसीएम 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर जो ये क्या हो जाएगा इसी तरह ये भी हो जाएगा और जोड़ यहां पर क्या हो जाएगा आपका 100/99 × 100 = 99/100। अब देखिए इससे फायदा हमको क्या हुआ, हमको एक चीज बताइए, ये टर्म में ये 2 कैंसिल बचा तो क्या बचा, 1/1 बचा, ये 1/1 बचा, घटाओ ये 1 कैंसिल हो गया यानी 1/2 बचा, यहां कुछ रहते 1/2 बचा। अब इस टर्म में आइए 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर में 1 बचा, कुछ रहते
एक बटा दो बचा और फिर दो दो कैंसिल हो गया तो एक बटा तीन बचा। इसी तरह इस पद में भी क्या हो जाएगा, चार घटा तीन तो भैया चार बटा तीन गुना चार, चार चार कैंसिल, एक बटा तीन बचेगा, घटाओ एक बटा चार बचेगा, और डॉट 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 यहां पर क्या बचेगा, सौ सौ कैंसिल, एक बटा निन्यानवे, घटाओ कितना निन्यानवे बटा, यानी यहां पर आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, यह हम निन्यानवे बटा निन्यानवे गुना एक सौ लिख रहा था, निन्यानवे निन्यानवे कैंसिल, एक बटा एक सौ यहां हमारा हो गया। क्लियर? यदि आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मेरा काम आसान हो गया। क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस में खत्म, ये माइनस ये प्लस में खत्म, ये माइनस ये प्लस में खत्म, मेरा बचा कितना, एक बटा एक घटाओ एक बटा एक सौ, यानी एक सौ इकाई एक सौ घटाओ एक, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, निन्यानवे बटा एक सौ हो गया। क्लियर है? तो आप चलिए और बढ़े हम दूसरे सवाल को, चलिए दूसरे सवाल को देखिए। कहते एक बटा तीन गुना सात जोड़ एक बटा सात गुना ग्यारह जोड़ एक बटा ग्यारह गुना पंद्रह जोड़ डॉट डॉट डॉट। तो मैंने आपको क्या ध्यान देने के लिए बोला है, मैंने बोला है कि हर के स्थान पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन गुना सात है और इनके बीच का अंतर जो है चार है, जबकि यहाँ पर क्या है, अंतर एक है। यहाँ पर सात गुना ग्यारह है, यहाँ अंतर एक है, यहाँ अंतर जो है चार का, यहाँ एक का। तो हमको क्या करना है, हमको अंतर जो है, क्योंकि यदि मैं इसको लिख दूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बटा तीन घटा एक बटा सात यदि मैं डायरेक्ट लिख दूं तब हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये आप जब हल करेंगे तो सात घटाओ तीन ये हो जाएगा तीन गुना सात, और ये हो जाएगा सात घटाओ तीन, यानी हमारा चार रहता तब मैं डायरेक्ट लिख सकता। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने मन से इस पूरे टर्म में चार बटा चार से गुना कर देता हूं, एक स्टेप अपने मन से काम कर लेता हूं। अब किसी में भी यदि मैं चार बटा चार से गुना कर दूं अर्थात एक से गुना कर दूं तो उसका वैल्यू बदलेगा क्या, कहेंगे नहीं बदलेगा। लेकिन हमारा काम बन गया क्या, हम क्या करते हैं, चार को जो है एक बटा चार लिख कर, ये जो है इस चार में चूंकि सबसे गुना होगा, सब में एक बटा चार को बाहर रखे और चार से सब अंश में क्या किया, गुना करा दिया। वास्तव में चार गुना एक बटा चार गुना एक बटा तीन गुना सात हो रहा है, लेकिन ये जब चार बटा एक तो चार का चार ही हो रहा है, तो हम इसको लिखते हैं चार बटा तीन गुना सात जोड़ कितना, चार बटा सात गुना ग्यारह जोड़ चार बटा ग्यारह गुना पंद्रह जोड़ डॉट 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 जोड़ चार बटा आठ सौ निन्यानवे गुना नौ सौ तीन। अब देखिए आपका काम बन गया। अब इस टर्म को हम एक टर्म को आपको सिखा रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, सात घटो तीन बटा तीन गुना सात, क्योंकि सात घटो तीन तो चार। अब हम इसको फिर उसी रूप में सजाते हैं, कैसे, सात बटा तीन गुना सात घटो तीन बटा तीन गुना सात, तो ये सात सात कैंसिल तो बचेगा एक बटा तीन, और यहां तीन तीन कैंसिल बचेगा एक बटा सात। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को ये चार बटा तीन गुना सात को डायरेक्ट एक बटा तीन घटा एक बटा सात लिख रहा हूं। अब ये दो स्टेप को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, यानी एक बटा चार गुना यहां मैं लिखता हूं एक बटा तीन घटाओ एक बटा सात। देखिए आप ये मत कहिएगा कि चार बटा तीन घटाओ चार बटा सात लिखिए, क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह जोड़ ये एक बटा सात घटाओ एक बटा ग्यारह जोड़ एक बटा ग्यारह जोड़ घटाओ कितना एक बटा पंद्रह जोड़ डॉट 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 एक बटा आठ सौ निन्यानवे घटाओ एक बटा नौ सौ कितना तीन। तब मैं यहां पर क्या देखता हूं कि ये एक बटा सात खत्म खत्म, ये इस पद का अंतिम, इस पद का द्विगो टर्म रहता तो पहला और लास्ट मेरा क्या बच रहा है, बच रहा है, ठीक है, मैंने दूसरा पद का अंतिम बच रहा है, पहला पद का पहला बच रहा है। इसका अर्थ है कि यहां पर हमारा क्या बचेगा, एक बटा नौ सौ तीन बचेगा। तब मैं हल करता हूं, एक बटा चार गुना में रहेगा ये अंदर वाला क्रियाकलाप एक बटा तीन घटाओ एक बटा नौ सौ तीन, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नौ सौ तीन ये एक बटा चार इसको हल कर रहे हैं, ये एलसीएम हो गया तीन गुना नौ सौ तीन, उतना हम नहीं जानते हैं। तो भैया तीन तीन कैंसिल तो नौ सौ तीन घटाओ, अब की बार ये तीन हो जाएगा तो बचेगा कितना, नौ सौ बटा कितना, एक बटा चार गुना नौ सौ बटा तीन गुना नौ सौ तीन, ये तीन सौ बार में खत्म, और ये कितना बार में, पचहत्तर बार में खत्म, और कटेगा क्या, और कटेगा तीन पच्चीस बार में, और तीन तिया
यानी 301, यानी कितना आंसर आया आपका 25/25/301 उत्तर आया। ये आप जो उत्तर रहेगा आप उसमें क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो आप कहेंगे कि इतना समय लग रहा है तो कंप्यूटर में होगा कैसे, तो आप सीधा समझिए कि जब आप समझ में आ जाएगा नहीं ये पूरा पॉइंट, तो आप सीधा एक लास्ट वाला क्रियाकलाप करेंगे, कहो 1/3 घटाओ 1/901 में 1/4 से गुना करना है, क्योंकि आप अंतिम निचोड़ पर पहुंचेंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता 1/2 × 5 × 1/5 × 8 × 1/8 × 11 … …… देखिए खाली फंसा दिया यहाँ पर 100 पद तक कह के, यदि लास्ट का भी पद दिया रहता ना तो आप सीधा क्या करते, 1/3 क्या करते, 1/3, क्योंकि 5 और 2 के बीच 3 का अंतर है, 1/3 वास्तव में हम 3/3 से पूरे में गुना करेंगे, पिछला पद तो आप सीख चुके हैं, लेकिन हम 1/3 यहाँ ऊपर में क्या हो गया 3/2 × 5 × 3/5 × 8 × 3/8 × 11 … लेकिन यहां पर समाप्त पद क्या होगा, हम गए फंस। तब एक चीज बताइए, नीचे में जरा ध्यान दीजिए, ये इसका पहला टर्म 2 और इसका दूसरा का पहला टर्म मतलब 5 फिर 8 फिर 11 फिर कितना 14, यानी आप ये दूसरा पद को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका इसमें आपका 2 × 5 लिखा है, ये 3 × 8 है, तो हमारा क्या है कि यदि इसका मैं यहां पर तो 3/ इसका यदि मानिए 13 होगा तो ये गुना 16 से गुना करेंगे, ये 18 होगा तो गुना 21 करेंगे, क्योंकि 3 बढ़ के है, हमारा इसका पहला पद तो निकल जाए। तो जरा गौर कीजिए, इस टर्म का पहला पद 2 इस टर्म का 5 इस टर्म का 8 ऐसा ऐसा जो सीरीज बनेगा तो 300 क्या होगा, सोमा पद क्या होगा, तो भैया कौन सा सीरीज है, ये आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का सीरीज है, हम उसका प्रयोग करते हैं, तो सोमा पद यानी Tn बराबर निकालने की क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है A+(n-1)×D, आप ऐसा जानते हैं। तो पहला पद कितना है 2 और गुना कितना n 100, मैं सोमा पद निकाला घटाओ 1 तो 99, कितना 99 और गुना कितना 3 का डिफरेंस चला 3, ये सॉरी ये A+ होगा, ये A+ होगा, मिस्टेक हो गया, तो 99 + 3 कितना होता है, अरे 100 + 300 होता है, 100 + 300 में 3 घटा दिए 297 और जोड़ दू तो 299, अब ये जब 299 निकल गया तो गुना किससे किया गया है, 302 से किया गया है। आप हमें लगता है मेरी बातों को आप बेहतर समझ गए होंगे, और ये जब बन गया तब आप उत्तर माथा प्रतिलेखन करेंगे, क्या करेंगे 1/3, अब हम जानते हैं इसका लिखेंगे 1/2 घटाओ और उसका लिखेंगे 1/302, क्यों कहा है कैसे पिछला वीडियो में आप देख चुके हैं, हमने पिछला प्रश्न आप देख चुके हैं, हम इसको 1/2 × 1/5 करेंगे, इसको फिर 1/5 जो घटाओ 1/8 करेंगे, तो अंदर का 1/5 × 1/5 क्या हो जाएगा कैंसिल, पहला और अंतिम बचेगा, तो हम पहला 1/2 लिखा और अंतिम का 1/302 लिखा, क्लियर है। तब अब क्या होगा, अब जो होगा 1/3 ये आप एलसीएम लेंगे, 302 एलसीएम होगा, कितना होगा 302 होगा, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 से 151 बार में जाएगा, घटाओ है 1, कोई दिक्कत, तो अब बचा 1/3 × 150/302, 3 कितना बार में 50 बार में, और कटेगा क्या 2 25 बार में, 2 151 बार में, यानी 25/151 क्या हो गया आपका फाइनल उत्तर हो गया, आप इसे ठीक लगाएंगे। बड़े और अगले सवाल को देखते हैं, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इस सवाल में एक स्टेप और आपको बढ़ा दिया गया, अब क्या फंसा दिया, देखिए अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या कर दिया 1/2 × 1/4 × 1/6 × 1 / 6 × 1 / 20 × 1 कर दिया है। तो हमको एक चीज बताइए, सबसे पहला चीज ये अपने मन से स्क्वायर में कर सकता हूं क्या, एक स्क्वायर तो कोई बात होगा नहीं, अब ये जो टर्म है हमारा हर वाला वो A² × B² के फॉर्मूला पर सेट हो गया, तब मैं लिखूंगा 1/A² × B² होता है A+B × A-B, यानी ये 2² × 1² को हम क्या लिखेंगे 2 × 1 × 2 + 1, यानी 2 + 1 तो
मैंने एक बार घटा के एक बार जोड़ के गुना करेंगे तो दो घटाओ एक तो एक और गुना दो जोड़ एक तो तीन, कोई दिक्कत? इसी तरह यहां लिखेंगे एक बटा क्या चार घटाओ एक तीन और चार जोड़ एक पांच जोड़, इसी तरह एक बटा छ घटाओ एक पांच और गुना छ जोड़ एक कितना सात जोड़ डॉट 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 एक बटा कितना बीस घटाओ एक उन्नीस और गुना बीस जोड़ एक इक्कीस। पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेकिन अब क्या मैं देखता हूं कि हर के स्थान पर अंतर जो है वह दो का है जबकि अंश के स्थान पर क्या है एक है, या अंतर दो का है या एक है, अंतर दो का है या एक है। तब मैंने आपको क्या सिखाया है पूरे टर्म में दो बटा दो से गुना कर दीजिए। अब जब दो से गुना करेंगे तो ये दो से एक बटा दो लिख के दो से ऊपर में हम गुना करा देते हैं तब हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्या यहां बचेगा एक बटा दो, यहां बचेगा पीछे प्रश्न में अभी देख चुके हैं बचेगा दो बटा एक गुना क्या एक गुना तीन जोड़ दो बटा तीन गुना पांच जोड़ दो बटा कितना पांच गुना सात जोड़ डॉ 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 दो बटा उन्नीस गुना इक्कीस। अब तो मेरा काम बन गया। अब क्या काम बन गया, मैं इसको लिख सकता हूं एक बटा दो इंटू ये लिख सकता हूं एक बटा एक घटाओ एक बटा तीन, एक बटा एक घटाओ एक बटा तीन जो एक बटा तीन घटाओ एक बटा पांच जो डॉट 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 इसी तरह एक बटा उन्नीस घटाओ एक बटा इक्कीस। तो मेरा बीच का सब कट के बचेगा एक बटा एक घटाओ कितना एक बटा इक्कीस। पॉइंट क्लियर? अब मेरा हल करना आसान हो गया। इसको लिखेंगे क्या एक बटा दो और ये गुना ये हो जाएगा बीस इक्कीस का इक्कीस घटाओ एक बीस बटा इक्कीस क्या हो जाएगा बीस बटा इक्कीस। तो दो कितना बार में दस बार में, यानी उत्तर आपका दस बटा इक्कीस आया। आप जवाब देंगे पॉइंट क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह दिया कि एक बटा सात स्क्वायर घटाओ तीन स्क्वायर जोड़ एक बटा तेरह स्क्वायर घटाओ तीन स्क्वायर जोड़ उन्नीस स्क्वायर घटाओ तीन स्क्वायर एवं प्रकार से इस तरह दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो इस तरह का सवाल आप बनाए हैं। पहला स्टेप में क्या करेंगे, आप करेंगे सात घटाओ तीन चार गुना सात जोड़ तीन दस। क्यों कहे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिया। इसी तरह जोड़ ये होगा एक बटा तेरह घटाओ तीन दस गुना सोलह जोड़ ये हो जाएगा सोलह गुना कितना उन्नीस और तीन बाईस जोड़ ये हो जाएगा इसी तरह एक बटा छियालीस गुना बावन। पॉइंट क्लियर यहां तक? कोई ज्यादा चीज तो किया नहीं मैंने। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद जो है हमारा चार और दस का अंतर छ है, दस और सोलह का अंतर छ है, सोलह और बाईस का अंतर छ है, जबकि अंश में क्या है एक है। तो छ बटा छह से क्या करूंगा मैं गुना करूंगा पूरे में, तो ये एक बटा छह बार में रखकर सब में ऊपर में क्या हो जाएगा छह हो जाएगा, यानी अब हो जाएगा ये एक एक बटा छह ये भी छह ये भी छह ये भी छह और ये भी छह पूरा में छह हो जाएगा। अब मेरा काम आसान हो गया एक बटा छह, और मैं क्या सिखाया हूं एक बटा चार इसका पहला टर्म बचेगा घटाओ इसका अंतिम टर्म एक बटा बावन बचेगा। क्यों कहे कैसे, आप पिछला कई क्वेश्चन इस तरह का बना लीजिए। अब मैं इसको हल करता हूं एक बटा छ गुना क्या हो जाएगा बावन और चार का एलसीएम क्या होगा बावन और चार तेरह घटाओ एक, यानी आपका क्या हो जाएगा एक बटा छ गुना तेरह घटाओ एक तो बारह बटा बावन, ये दो छके और ये सॉरी छह दूनी बारह और दो कितना बार में दो छब्बीस बार में, यानी एक बटा आपका छब्बीस उत्तर होगा, यानी एक बटा छब्बीस में आप क्या करेंगे टिक लगाएंगे। क्लियर है? हमको लगता है बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, कहता है एक बटा पंद्रह जोड़ एक बटा पैंतीस जोड़ एक बटा तिरसठ जोड़ एक बटा निन्यानवे जोड़ एक बटा एक सौ तैतालीस। देखिए बात क्या है इसका, जब हम करेंगे ये आप जरा देखिए ये तीन पचे ये पांच सत्य ये सतनामा सीरीज बन रहा है, यानी ये एक बटा तीन गुना पांच ये एक बटा कितना पांच गुना सात ये एक बटा कितना सतनामा तिरसठ तिरसठ है ये कितना एक बटा नौ गुना ग्यारह जोड़ ये हो जाएगा एक बटा ग्यारह गुना तेरह। हमको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अंतर डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है दो दो का, अंश पर एक है, वही दो बटा दो से गुना करूंगा
आप समझ रहे हैं फाइनली मेरा लास्ट में कितना बचेगा, एक बटा दो गुना इसका पहला पद एक बटा तीन और इसका अंतिम पद एक बटा तेरह, यानी कंपटीशन एग्जाम में इतने को हल करना है। अब हर आदि इसको करेंगे एक बटा दो गुना कितना होगा एलसीएम होगा तीन गुना तेरह, तो भैया तीन तीन तेरह घटाओ नहीं एलसीएम तीन गुना तेरह में तीन से भाग देंगे तो तीन तीन कैंसिल तेरह घटाओ तीन ये बचेगा तो एक बटा दो गुना दस बटा तीन गुना क्या तेरह दो पचे यानी पांच बटा उनचालीस में आप क्या करेंगे टीक लगाएंगे, ज्यादा समय व्यतीत होगा नहीं। यदि आप सीख गए तो आप आसान तरीके से लगाएंगे, क्लियर है। तो आप इस तरह के सवाल भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं जहां पर आपको फंसा देंगे। चलिए बढ़िए और थोड़ा सा और अलग टाइप के प्रश्न को देखें। तो अगला सवाल है कि एक बटा एक गुना दो जोड़ एक बटा एक गुना चार जोड़ एक बटा दो गुना तीन जोड़ डॉट 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 एक बटा चार गुना सात जोड़ एक बटा तीन गुना चार जोड़ इस तरह बीस पद तक आपको दिया है। देखिए फंसाया क्या है, हम क्या देख रहे हैं, यदि ये पद के बाद ये पद रहता फिर इस पद के बाद ये पद रहता, जरा समझिएगा, एक बटा एक गुना दो जोड़ एक बटा दो गुना तीन जोड़ एक बटा तीन गुना चार, तब एक सीरीज टाइप का बनता, हम आसान तरीके से बना सकते थे। इसी तरह इस पद के बाद यदि ये पद रहता और इस पद के बाद यदि ये पद रहता, एक बटा चार अंश और हर के बीच तीन का अंतर, नहीं सॉरी ये अंश हर में दो पदों के बीच तीन का अंतर, यहां भी हर के बीच तीन का अंतर, यहां भी सात और दस के बीच तीन का अंतर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो सीरीज को इसमें मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, हम इसी को सजा के अलग अलग कर रहे हैं। कुल यदि बीस पद है इसका अर्थ हुआ एक बटा एक गुना दो जोड़ एक बटा कितना दो गुना तीन जोड़ डॉट 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 ये क्या होगा, ये दस गो पद होगा, पॉइंट क्लियर। इसी तरह जोड़ ये जो होगा एक बटा एक गुना चार जोड़ एक बटा चार कितना एक बटा चार गुना सात जोड़ डॉट डॉट ये भी कितना पद होगा दस गो पद होगा। अब तो बन गया, आपसे कहेंगे कैसे, ये तो आप जानते हैं इसका दसवां पद क्या होगा, जरा देखिए ये एक बटा एक गुना दो पहला पद एक तो दसवां पद क्या होगा एक बटा दस गुना ग्यारह, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं और इसका हल करना आसान है क्योंकि हर के बीच में भी एक अंतर अंश भी एक का अंतर, तो हम इसका हो जाए एक बटा एक घटाओ कितना एक बटा ग्यारह, क्यों का है कैसे पिछला प्रश्न कई बना चुके हैं, अंदर का बीच का क्या होगा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये ग्यारह का ग्यारह घटाओ एक ये फाइनली हमारा दस बटा ग्यारह बचा जोड़ जोड़ है यहां। अब इसका जरा देखिए ये पहला पद एक है, ये पहला पद एक है एक बटा चार है, लेकिन दूसरा टर्म का पहला पद क्या है चार है, इसी तरह इसका क्या होगा सात होगा सात होगा, तो भैया दसवां पद क्या होगा दसवां पद क्या होगा, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया तो ए प्लस एन माइनस वन गुना कितना डी, तो ए है एक जोड़ एन दस दस घटाओ एक तो नौ और नौ तिया कितना नौ तिया तीन का डिफरेंस सत्ताईस सत्ताईस से कितना हो जाएगा अट्ठाईस, ये दसवां पद हो गया कितना अट्ठाईस, इसका अर्थ ये दसवां पद जो होगा एक बट्टा अट्ठाईस गुना इकतीस होगा, अट्ठाईस गुना कितना हो जाएगा इकतीस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए अंतर तीन का है तो आप समझ रहे हैं तीन बटा तीन से गुना करूंगा, फिर तीन पूरे में गुना हो जाएगा ऊपर में, हमारा बाहर में बचेगा एक बटा तीन, पीछे इस तरह का कई प्रश्न कर चुके हैं। अब यह पहला पद बचेगा एक बटा एक, अंतिम पद बचेगा एक बटा इकतीस, अब यह होगा एक बटा तीन गुना इकतीस का इकतीस घटाओ एक तीस बटा इकतीस, क्लियर, ये तीन दही यानी दस बटा इकतीस इसमें जोड़ेंगे यानी दस बटा ग्यारह जोड़ दस बटा इकतीस। अब इसको जब क्रियाकलाप करेंगे ग्यारह और इकतीस कैंसिल ग्यारह गुना इकतीस और ये ग्यारह ग्यारह कैंसिल तीन इकतीस दही तीन सौ दस और जोड़ इकतीस इकतीस कैंसिल एक सौ दस यानी तीन एक चार सौ बीस होगा ऊपर में और नीचा में ग्यारह गुना इकतीस गुना करके आप हल कर दीजिए यही उत्तर होगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिए अब यहाँ हर के स्थान पर तीन पद कर दिया एक बटा एक गुना चार गुना सात एक बटा चार गुना सात गुना दस एक बटा सात गुना दस गुना तेरह जोड़ एक बटा दस गुना तेरह गुना सोलह जोड़ डॉट 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 मतलब डॉट डॉट नहीं एक बटा तेरह गुना सोलह गुना उन्नीस यहां तक दिया है। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये अंतिम का दो पद
और शुरू का दो पद इक्वल है, क्लियर। यहां का फिर जो है अंतिम का दो पद सात गुना दस ये शुरू का इक्वल है, फिर तेरह दस गुना तेरह ये यहां पर है, तेरह गुना सोलह इसका शुरू में है, पहला चीज। यानी हम इसको दो टर्म ही समझकर काम कर, एक और चार गुना सात ये, फिर चार गुना सात और ये दस, हम इसी को इतने को समझ रहे हैं कि दुए टर्म है, पहला चीज ये आप समझे। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं, ये एक और सात पहला पद और अंतिम पद का अंतर क्या है, छह है। यहां भी दस और चार के बीच अंतर छह है, सात और तेरह के बीच अंतर छह का है, और तेरह और उन्नीस के बीच अंतर क्या है, छह का है। ये तो क्लियर हो गया कि हम छह बटा छह से गुना करने वाले हैं, यानी छह बटा छह से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सबका छह हो जाएगा, क्लियर। यानी ये हो जाएगा एक बटा छह, ये छह बटा क्या हो जाएगा, जरा देखिए आप जरा समझिए। ये एक बटा एक गुना चार गुना सात, मैं एक स्टेप समझा देता हूं जो कि क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब मैं सात घटाओ एक बटा एक गुना चार गुना सात लिख सकता हूं क्या, क्योंकि सात घटाओ एक छ होता है, क्लियर है, क्योंकि ये छह से मैं सबको गुना करा दिया। आप कहेंगे आप पीछे देख चुके हैं, मैं इसको फिर सात बटा एक गुना चार गुना सात घटा एक बटा एक गुना चार गुना सात लिख सकता हूं क्या, इसका अर्थ सात सात कैंसिल, बचेगा एक बटा एक गुना चार, एक बटा एक गुना चार, ध्यान रखिएगा एक बटा एक गुना चार घटाओ ये एक एक कैंसिल, बचेगा एक बटा चार गुना सात। समझाने के लिए मैं एक गुना एक कैंसिल कर रहा हूं, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि मैं इसको लिखूंगा गुना, इसको लिखूंगा एक बटा एक गुना चार, एक गुना चार घटा एक बटा चार गुना सात, इसी तरह जोड़ एक बटा चार गुना सात घटाओ एक बटा कितना सात गुना दस, जोड़ इसी तरह अब की बार क्या लिखूंगा एक बटा सात गुना दस घटाओ एक बटा दस गुना तेरह, जो डॉट 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 लास्ट वाला का क्या लिखूंगा एक बटा तेरह गुना सोलह घटाओ एक बटा सोलह गुना उन्नीस। तो भैया हमारा पहला टर्म बच जा रहा है दूसरा, और दूसरा का पहला कटता है, इसका अर्थ हुआ फर्स्ट और लास्ट बचेगा, यानी मेरा बचा क्या एक बटा छ। अब यहां पर एक बटा एक गुना चार करता था एक बटा चार घटाओ, यहां पर बचा एक बटा सोलह गुना उन्नीस। क्या मैं इसको हल नहीं कर पाऊंगा, कर लेता हूं, हल करता हूं, एक बटा छ ये एलसीएम क्या होगा सोलह गुना उन्नीस हो जाएगा, नहीं चार सोलह और उन्नीस का सोलह गुना उन्नीस लिया, चार से जब इसमें भागा दूंगा तो उन्नीस चौके छिहत्तर होगा, घटाओ यहां पर क्या हो जाएगा एक होगा, यानी बचा मेरा एक बटा छ गुना पचहत्तर बटा सोलह गुना उन्नीस। अब तीन दूनी तीन क्या बार में, तीन पच्चीस बार में, अब कटेगा नहीं तो मेरा उत्तर आएगा कितना पच्चीस बटा सोलह दूनी बत्तीस और गुना कितना उन्नीस, तो नौ दूनी अठारह आठ, बाकी रहा कितना एक, नौ किया सत्ताईस अट्ठाईस, अब फिर ये बत्तीस जोड़ेंगे आठ आठ दो दस सौ नौ रहा एक तीन दो पांच एक छ, यानी छह सौ आठ, यानी पच्चीस बटा छह सौ आठ क्या हो जाएगा आपका उत्तर होगा, आप इसमें टिक लगाएंगे। यही आपका तरीका था, आप इस तरीके से बनाए, यह तीन पद रहेगा तो आप किस तरह अरेंज किए सजाए आप इसको देखा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल वही है जो पिछला सवाल था, अंतर सिर्फ यहां पर क्या कर दिया तीस पद कर दिया। यहां भी हम देखते हैं हर में तीन पद है, जिसमें अंतिम का दो पद शुरू का दूसरे पद के इक्वल है, सेम टू सेम वही दे दिया है। दूसरा पहला पद और अंतिम पद का अंतर, यहां भी पहला पद और अंतिम पद का अंतर, तीसरे पद का अंतर दस है, सब जगह वही है। इतना तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं दस बटा दस से गुना करने जा रहा हूं, पॉइंट क्लियर है। अब ये चीज आप समझ रहे हैं, आप इतना भी समझ रहे हैं कि मैं इसको लिख दूंगा ये एक बटा दस से गुना करके एक बटा पांच गुना दस लिख दूंगा, लेकिन भैया इसका पहला पद बटेगा बचेगा एक बटा पांच गुना दस, लेकिन जिसमा पद पहले तो निकाल लीजिए, तब वही चीज मैं बताता हूं। ये पांच है या दस है ये पंद्रह है, तो तीसवा पद क्या होगा, क्योंकि एक बटा ये तीसवा पद
का पहला पद निकल जाएगा तो मैं ये दूसरा और तीसरा भी पांच पांच जोड़कर निकाल सकता हूं। तो तीसवा पद आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन गुना डी होता है नहीं? तो भैया हमारा पहला पद है पांच और जोड़ तीसवा पद यानी तीस घटा एक उन्तीस और गुना कितना डिफरेंस कितने का जा रहा है पांच का, तो उन्तीस पचे कितना होता है, तीस पचे कितना हो जाता आपका 150 हो जाता, तो 29 था 145 जोड़ 5 100 क्या होगा 50 होगा, ये 150 दूसरा पद 155 और तीसरा पद 100 कितना 60। इसका अर्थ हुआ यदि आप पिछला प्रश्न समझ गए हैं तो मैंने क्या किया 1/10 बाहर में लिखा, इसका पहला पद 1/5 गुना 10 उठाया घटाओ इसका लेंगे 1/150 गुना कितना ये 155 गुना कितना 160, इतने को हमको हल करना है। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं तो 1/10 गुना ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा कितना 155 गुना 160 ठीक है। अब 155 गुना 160 में 16 बचेगा, इधर 5 से भाग देंगे तो 5 तिया इकाई 31 गुना 16 यानी यहां ऊपर बचेगा 31 गुना 16 घटाओ कितना 1 क्लियर है। अब 1/10 गुना 31 गुना 16 कितना होता है 16 का 16 के 1 सोलतिया 48 सोलतिया 16 का 16 का 6 बकरा 1 सोलतिया 48 49 घटाओ 1/ यहां पर हो जाएगा 155 गुना 160 ये हो जाएगा 495 हो जाएगा, ये 495 हो जाएगा। काटिए कट रहा है तो ये कट रहा है 5 दूनी 5 नवा 45 5 नवा 45 99 बार गए और कटेगा क्या अब नहीं कट रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 99/16 दूनी 32 ये 320 गुना कितना 155 ठीक है कर लीजिए 155 गुना मैं 32 करता हूं शून्य रख दूंगा तो 100 हो जाएगा 310 5 दूनी 10 कितना होगा 1 31 और ये 3 5 15 के 5 बाकी रहा 1 15 45 46 सुन्ना 6 6 3 9 49 कितना 60 पर एक और सुन्ना यानी 99/49 600 ये क्या होगा आपका फाइनल उत्तर होगा आप ठीक लगाएंगे। तो फसाया कहां था आप इसको समझ रहे हैं, यहां पर आपको 30 पद दे दिया यानी 30वां पद आपको निकालना क्लियर। अगले प्रश्न को देखते हैं, चलिए अगला सवाल है देखिए कहता है 1/1 × 2 × 3 × 4 1/2 × 3 × 4 × 5 1/3 × 4 × 5 × 6 1/15 × 16 × 17 × 18 देखिए बात क्या है यहां पर हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि इस पहला टर्म का इस टर्म का ये हर का जो आखिरी तीन अंक है इस दूसरे टर्म के हर के पहले तीन पद के क्या है इक्वल है यानी ये तीन पद इसका आखिरी तीन पद इसके शुरू के तीन पद के बराबर इसका आखिरी तीन पद इसके शुरू के तीन पद के बराबर पहला चीज। दूसरा चीज क्या है इसका पहला और अंतिम पद का अंतर पहला और अंतिम पद का अंतर पहला और अंतिम पद का अंतर तीन है यानी इक्वल है मेरा काम बन गया। पहला चीज मेरे दिमाग में आ गया 3/3 से गुना करूंगा अर्थात 1/3 बचेगा क्यों कहे कैसे समझ रहे हैं यानी ये 3 3 3 हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 1 मैंने कि 4 × 1 4 × 1 कितना 3 अब बटा इसको मैं लिखूंगा 1 × 2 × 3 × 4 तो भैया समझिए ये 4/1 × 2 × 3 × 4 ये 4 कैंसिल अब फिर ये 1 कैंसिल तो हमारा जो सीरीज बनेगा क्या बचेगा पहला पद का बचेगा 1/1 × 2 × 3 घटाओ अंतिम का क्या बचेगा घटाओ 1/16 × 17 × 18 क्यों कहे कैसे आप समझ गए क्लियर है यानी हम कैसे लिखे इसको 3/3 से गुना किया उसके बाद 3/3 से गुना किया तब अंश क्या था 3 3 आ गया तब मैं इस 3 के लिए क्या क्या 4 × 1 यहां पर मैं क्या करूंगा 5 × 2 यहां पर 6 × 3 जैसे हम इसका एक और करके दिखाते हैं आपको इसको आपने लिखा 5 कितना 2/2 × 3 × 4 × 5
फिर आपने इसको लिखा पांच बटा दो गुना तीन गुना चार गुना पांच घटा दो बटा दो गुना तीन गुना चार गुना पांच, तो ये पांच पांच कैंसिल, यानी एक बटा दो गुना तीन गुना चार बचा, ये क्या हुआ दो दो कैंसिल, तो बचा कितना एक बटा तीन गुना चार गुना पांच। इसी तरह आप जब इसको करेंगे, ये करेंगे अठारह घटाओ पंद्रह, तो होगा अठारह बटा कितना पंद्रह गुना सोलह गुना सत्रह गुना अठारह, घटाओ कितना अठारह बटा पंद्रह गुना सोलह गुना पंद्रह बटा पंद्रह गुना सोलह गुना सत्रह गुना क्या अठारह, ये अठारह अठारह कैंसिल, तो बचेगा अंतिम का टर्म का जो बचेगा एक बटा पंद्रह गुना सोलह गुना सत्रह, और यहां क्या बचेगा एक बटा सोलह गुना सत्रह गुना अठारह, यानी हमारा अंदर का कट जा रहा है, ये इस टर्म का अंतिम वाला बच रहा है भाई क्या एक बटा सोलह गुना सत्रह गुना अठारह। अब इतने गो को मैं क्या करूंगा हल करूंगा, हल करूंगा तो एलसीएम क्या होगा सोलह गुना सत्रह गुना अठारह आएगा। अब दो से कट जाएगा आठ, आठ गुना छ गुना सत्रह, यानी अठारह के अड़तालीस गुना सत्रह ये हुआ, घटाओ कितना एक, इसमें गुना किससे होगा एक तिहाई से। अब अड़तालीस गुना सत्रह आपका हो जाएगा क्या, हल कीजिए एक बटा तीन गुना हो जाएगा आठ सौ सोलह घटाओ एक, अब बटा नीचे में हो जाएगा आपका कितना सोलह गुना सत्रह गुना कितना अठारह, एक बटा तीन गुना आठ सौ पंद्रह बटा कितना तो पंद्रह बटा कितना सोलह गुना सत्रह गुना कितना अठारह, पूरा हल कीजिएगा तो आठ सौ पंद्रह बटा चौदह छह सौ अठासी होगा, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए ये सवाल भी आपको थोड़ा सा फंसा दिया, क्या फंसा दिया देखिए, ये तीन पद वाला और ये दो पद वाला, इसका अर्थ हुआ हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हमारा दो गो सीरीज बन रहा एक बट्टा एक गुना तीन गुना पांच जोड़ एक बट्टा तीन गुना पांच गुना सात, ठीक है, और डॉट 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 कुल अभी बीस गो पद है, तो हमारा एगो सीरीज ये वाला बन रहा है, यहाँ दस गो पद इसमें जोड़ एक बट्टा एक गुना चार जोड़ एक बट्टा चार गुना सात जोड़ यहाँ दस पद तक एगो हमारा टर्म उधर बन रहा है, दो गो दस दस गो पद वाला श्रृंखला बन रहा है। अब इस तरह का भी पीछे बना है, इस तरह का भी पीछे बना है, अलग अलग करके हल करके आप क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा। हम क्या करेंगे देखिए, हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, तीन पद है लेकिन इसका अंतिम का दो पद इसका शुरू का दो पद क्या है इक्वल है। पहला चीज क्या कीजिए आप दसवां पद निकालिए, दसवां पद निकालते हैं देखिए, ये एक है ये तीन है, आगे इसी तरह पांच सात नौ डॉट डॉट दसवां पद क्या होगा, तो आप तो तुरंत जानते हैं कि ओ विषम संख्या वाला चल रहा है, दसवां पद होगा दस बीस घटाओ एक उन्नीस, यानी हो जाएगा कितना एक बट्टा उन्नीस गुना इक्कीस गुना क्या तेईस, आसान तरीके से मैंने निकाल लिया। यहां पर मैं देख रहा हूं एक है चार है सात होगा डॉट डॉट डॉट, अंतर कितने का है तीन का, एपी बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, ए यहां पर एक है जोड़ एन माइनस वन कितना होगा दसवां पद है दस घटाओ एक नौ गुना ये तीन का अंतर है तो नौ किया सत्ताईस से कितना अट्ठाईस, यानी ये हो जाएगा एक बटा अट्ठाईस गुना कितना इकतीस। अब बन गया, कैसे बन गया ये एक और पांच के बीच चार का अंतर है तो एक बटा चार बाहर रखेंगे, क्यों का है कैसे कई सवाल बना लिए, और यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा एक बटा एक गुना तीन घटा यहां पर बचेगा एक बटा इक्कीस गुना कितना तेईस, ठीक है इसको पहले हल कर लीजिए। हल करते हैं तो एक बटा चार गुना ये इक्कीस गुना तेईस ही होगा, और तीन सते तो तेईस गुना सात घटाओ एक तो तेईस सते कितना होता है सत्या तेईस बीस सत्य एक सौ चालीस सत्या एक सौ इकसठ घटाओ एक एक सौ साठ, एक सौ साठ कितना बार में चार चालीस बटा कितना इक्कीस गुना तेईस, यानी ये हुआ चालीस बटा इक्कीस गुना तेईस। अब इसमें जोड़ेंगे ये वाला जब निकालेंगे, चलिए अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक बटा एक गुना चार है अंतर कितने का है तीन का, तीन का समझ ही रहे एक बटा तीन, एक बटा तीन है तीन बटा तीन से गुना करना चाहिए लेकिन आप जान रहे हैं सब में तीन तीन हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा फाइनली एक बटा एक यहां से बचेगा ब्रैकेट में लेकर करेंगे घटाओ एक बटा इकतीस यहां से बचेगा। पीछे कई सवाल बना चुके हैं एक बटा तीन गुना
31 का 31 घटाओ एक यानी 30 बटा कितना 31 यानी 3 दही। अब हमारा क्या उत्तर आ गया 40 बटा 21 गुना 23 जोड़ 10 बटा 31। हमको इसको हल करके क्या करना है, जवाब देना है। तो यहां पर आप इसको हल कीजिए और जवाब दे दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, आखिरी सवाल है इस टॉपिक का। देखिए एक पूर्णांक 1/2 है, तो आप जानते हैं आप इसको लिख सकते हैं एक जोड़ 1/2 जोड़ इसको मैं लिख सकता हूं 4 जोड़ 1/6 जोड़ 7 जोड़ 1/12 जोड़ 10 जोड़ 1/20 जोड़ डॉट 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 कितना पद तक, 20 पद तक। यानी ये पूरा एक टर्म जो था ऐसा करके 20 को लिखा है। आप 10-10 को का ग्रुप नहीं बना दीजिएगा, गलती ना कर जाइए। लेकिन जब मैं इसको अरेंज करता हूं तो 1 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ क्या पद तक, 20 पद तक। अभी तुरंत क्लियर किए, जोड़ मैंने कि जो पूर्ण संख्या में उसको एक साथ लिया, अब भिन्न वाला को 1/2 जोड़ 1/6 जोड़ 1/12 जोड़ 1/20 क्या गो पद, 20 गो पद। तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो आप जानते हैं ये एपी सीरीज में है, एपी सीरीज में जिसका पहला पद ए है, ए मैंने कि एक है, कुल पद एन बराबर 20 है और डी बराबर कितना है 3। तो हम अंतिम पद जो निकालते हैं आप जानते हैं पहला पद यानी 1 गुना n-1 गुना d यानी 19 3 कितना होगा 57 1 58 यानी अंतिम पद हो जाएगा 58 58। तो कुल योग जानते हैं आप n/2 into a+ क्या है l यानी n/2 तो 10 गुना गुना a क्या है 1 और 58 1 कितना होगा 59 यानी 590 हो गया इसका योग। कोई दिक्कत? अब इसका देखिए ये 1/2 है, 1/1 गुना 2 जोड़ 1/2 गुना 3 जोड़ डॉट 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 ये 20वां पद 1/20 गुना 21 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 करके लिखा है, डिफरेंस जो है कितना है 1 का है तो 20वां पद क्या होगा 1/20 गुना 21 तो बचेगा 1/1 घटाओ 1/21 21 का 21 घटाओ 1 यानी कितना 20/21 यानी आपका उत्तर हो जाएगा 590 जोड़ 20/21 यानी भिन्न के रूप में है तो 590 गुना 21 जोड़ 20/21 कीजिए। या आदि उत्तर दिया है 590 पूर्णांक 20/21 तो आप किस तरह का ऑप्शन है इस तरह देखकर आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल था, हम यहीं पर इसको क्लोज करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।